मैं हूँ आपका होस्ट श्रेय। सो गाइस बड़े दिन बाद, मतलब बड़े दिन तो नहीं, बड़े एक दो महीने बाद मिलना हुआ। मैं बड़े शॉर्ट में आपको समझाता हूँ ऐसा क्या हुआ। सबसे पहले मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो छोड़ी थी, वो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ गए थे नाइन्थ के फाइनल वाले, एंड उसके बाद फिर मैं जस्ट एग्जाम के बाद मैं सोचा था कि फिर छुट्टियाँ पड़ेंगी तो उसमें बनाऊंगा। बट फिर क्या हुआ कि फिर उसके अगले दिन ही मैं अपने भाई के घर चला गया। एंड कब वापस आया? होली के जस्ट दो दिन पहले फिर मैं सोचा था कि होली के बाद बनाऊंगा। मतलब आपको पता होगा कि डेली लाइफ में चीज़ बहुत होती है। तो फिर होली के बाद फिर मैंने सोचा होली के बाद बनाऊंगा। होली हुई, उसके बाद फिर मैं 21 मार्च से एग्जाम शुरू हुए, एग्जाम सॉरी स्कूल शुरू हुए। स्कूल शुरू होने के बाद मेरी टेंथ शुरू हुई, एंड मेरी टेंथ अभी तक बढ़िया चल रही है। बट थोड़ा सा बर्डन आने की वजह से मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पाया था। हालांकि सैटरडे संडे में टाइम आया था, बट उसमें भी काम हो गए थे, फिर आलस भी था टाइप ऑफ। एंड देन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करी थी पहले वीडियोस बनाने में। तो अगर मैं ऐसे ही छोड़ देता तो मेरे को खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि एक फिर से वीडियो बनाता हूँ। एंड उसी टाइम सर ने, आनंद सर ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी जो है अभी मेरे पास, आपने अभी देख ली होगी मतलब नीचे टाइटल में, तो आपको पता लग गया होगा क्या है। तो हमने तो अब फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो ये बॉक्स मैंने अमेजोन से मंगाया, अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर अभी ले सकते हैं। एंड ये मुझे पड़ रहा है 490 का, आपको भी उतने के पड़ेगा क्योंकि 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस के पड़े हैं। वैसे 450 है इसका रियल प्राइस सर के हिसाब से, बट ये मुझे 490 का पड़ेगा क्योंकि अमेजोन पे 40 रुपीज़ जो है डिलीवरी चार्जेस के थे। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी काम की चीज़ें हैं, मेरे को इन सब चीज़ों में बहुत मजा आता करने में। इस वजह से अभी तक देखिए सील टाइम मैंने सोचा खोला नहीं था, बहुत मोटी कवरी है। काफी मुश्किल से ये वाला बॉक्स मैंने निकाल दिया है, इसको तो इसको भी खोलते हैं फटाफट से। गाइस इन सब चीजों को बड़े ध्यान से यूज करना, मेरे भी हाथ फटा था। देखिए इन सब चीजों को साइड में रखते हैं। ये देखिए इसमें बॉक्स है, वाह बॉक्स के अंदर बॉक्स गाइस। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी बॉक्स ही निकलेगा। अच्छा ये ऐसे खुलता है, ओके गॉट इट। ओके ये बहुत ही अच्छा है, मेरा बॉक्स काफी अच्छे मेंटेन्ड है। एक ही करके नाम भी लूंगा, देखो कितना अच्छी तरह इन्होंने पैक करके भेजा, जाके दिखा दो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट ये देखो भाई कितना परफेक्ट, इतना परफेक्ट। अभी इसका मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला, बहुत अच्छी तरह भेजे, तो एक बार थैंक्स टू आनंद सर यार, बहुत अच्छी तरह पैक करके भेजा भाई। चलो ठीक है देखते हैं इसको अपना। सबसे पहले इन्हीं से शुरू करते हैं टेस्ट ट्यूब से, एंड इसमें और भी चीज़ें, तो इसको बड़े आराम से पहले खोल लेते हैं। सो गाइस हमारी सस्ती अनबॉक्सिंग तो हो ही गई है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले जो ओपन चीज़ें थी वो थी हमारे टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो हमारे टेस्ट ट्यूब होल्डर होते हैं थोड़ा सा ब्रांडेड है, पर उसकी कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक है, आराम से इसको ठीक हो जाएगा। ये तो बाकी तो क्वालिटी एकदम ओके है, प्रॉपर है। ये हमारा होल्डर स्टैंड है, होल्डर बोल दिया। इस पर क्या होता है कि अगर हमको कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह जैसे गर्म करनी होती है तो हम इसके नीचे बंसन बर्नर, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बंसन बर्नर, मैंने ये एक्चुअली सबसे बेसिक किट है, मतलब सबसे तो नहीं बेसिक किट है, नॉर्मल जो केमिस्ट्री में होती है, तो उसके साथ बंसन बर्नर नहीं आता। बंसन बर्नर का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसको उसके साथ हमको सिलेंडर भी रखना पड़ता है, वो सिलेंडर से कनेक्ट होगा तभी वो चलेगा, क्योंकि उसमें गैस, जैसे आप गैस जलाते हो वैसे बंसन बर्नर भी होता है। तो अगर आपको देखने तो यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके ऑल्टरनेटिव पे हमारे पास एक चीज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा सबसे पहले होल्डर आता है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये हमारा स्टैंड, अरे होल्डर की बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टेस्ट ट्यूब क्लीनर, अगर हमको टेस्ट ट्यूब को क्लीन करना है तो हम ऐसे करके क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर, मतलब ये स्टैंड है टेस्ट ट्यूब का, ये होल्डर है। हम टेस्ट ट्यूब यहाँ पर रखेंगे और इसको आगे की तरफ जब हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसे करके टेस्ट ट्यूब पकड़ लेगा, हम वो भी देखेंगे। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, मैंने सोचा कि खोलूँ ना आपके सामने ही खोलूँ, जिससे आपको भी पता लगे कि कितना अच्छे से सिक्योर करके भेजा गया है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेगी, क्योंकि ये सब कांच की चीज़ है और मेरे को तो ये डर लग रहा है, मैं तोड़ दूँ उसको भी आपके सामने ही आराम से। पैसे यहाँ पर रखे घुमाते हैं, देखो कैसे करके वाइट पॉलिथीन में आएगी, देखो बहुत रखे भाई ओके। यहाँ पर हमारा तारा निकल चुका है, तो हमारी वन टेस्ट ट्यूब, टू, थ्री, फोर, इसको मैं आपको पास में आके दिखाता हूँ। ये देखिए इस पे लिखा है बोरोसिलिकेट ग्लास, मतलब ये ग्लास का किस, मतलब किस ग्लास से बना हुआ है, बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ है, तो उसी से बनते ज़्यादातर। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये पकड़ने के काम आता है, तो हम ऐसे लेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे एंड इसको ऐसे करके आगे पुश करेंगे ऐसे करके, एंड एक टाइम आएगा तो भी काफ़ी टाइट हो जाएगी,
मैंने देखिए पकड़ लिया, तो उसमें आप ऐसे दूर से जिससे हमको एकदम सेफ्टी से कोई एसिड वगैरह डालना हो तो ऐसे करके यूज कर सकते हैं। तो आपको इसका भी यूज आ गया होगा, वोल्टा अगर नहीं आया तो मुझे बताना। अब ये इसका तो हो गया बॉक्सी वाली। बॉक्स में सबसे पहले हमको एक फनल मिलती है, ये फनल होती है, हम इसके ऊपर ऐसे करके किसी भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। जैसे हम किसी बड़े मतलब किसी अगर जैसे इतना बड़ा ये है तो हम इसको ऐसे करके डायरेक्ट पोर कर सकते हैं, ये धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारी लिक्विड स्टोर करने के लिए, जैसे हमने कोई हमने कोई लिक्विड सोल्यूशन बनाया, जैसे दो एसिड और एक बेस को मिलाकर कोई मे भी मतलब जैसे बनाया, मतलब एसिड को ही एसिड को अगर हमको रखना है तो हम इनके अंदर रख सकते हैं, कोई भी चीज रख सकते हैं। तो ये लिक्विड के लिए बेसिकली, क्योंकि एसिड और बेस को जब मिलाते तब तो सॉल्ट बनता है, तो कोई लिक्विड तो उससे पानी बनेगा फिर उसके साथ। तो और इसके बाद हमारे पास आते हैं ये दो, ये है हमारे सॉलिड उसके लिए, मतलब प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है तो अगर हमको उसको वो करना है स्टोर करना है तो हम उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये दो चीजें और हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये था, मैंने आपको बताया फनल। उसके बाद हमारे पास दो स्मॉल बीकर आते हैं, इनका 50 ml है। ठीक है, ये 50 ml के हैं, दो प्लास्टिक के हैं, तो प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी के हैं, वो वाली प्लास्टिक नहीं है। तो दो ये हो जाते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास एक ये आता है, तो उसके अभी बाद में आते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारे जो है ये वाइट आपको सर्कल दिख रहा होगा, तो ये हमारे होते हैं फिल्टर पेपर, ये हमारे फिल्टर पेपर है एंड इसके अंदर हम लगा सकते हैं एंड किसी भी चीज को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने मिट्टी ली है तो हम मिट्टी को भी फिल्टर कर सकते हैं, उसका अगर हमको कुछ स्पेसिफिक चीज चाहिए उसमें से तो हम कर सकते हैं, इसके भी हम एक्सपेरिमेंट जरूर से करेंगे। फिर आता है हमारे पास ये वायर गेजर, नहीं यार मेरे को ढंग से वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं वो लिख दूंगा, मेरे को प्रोनंसिएशन एक्चुअली ढंग से याद नहीं आ रही क्योंकि मैं वर्ड भूल के वाला जी से कोई वर्ड होता है, मैं एक्चुअली मैं दिमाग से स्किप हो गया। एक्चुअली इसका यूज क्या होता है, जैसे हम इसके ऊपर रखना होता है, एक्चुअली क्या होता है जब हम हीट करते हैं तो अगर हम किसी भी इस चीज में से अगर कोई भी कांच की चीज को अगर हीट कर रहे हैं तो क्या हम डायरेक्ट उसको फायर पे नहीं रख सकते, वरना उसके फूटने के भी बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम इसके नीचे ये रखते हैं, जैसे ये हीट अप होगा एंड उससे हमारे जो कांच का बीकर या फिर जो भी चीज है वो हीट अप होगी। ऐसे करके क्या होगा कि वो हीट जो है पूरे बीकर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और वो फूटेगा नहीं, जो बीकर है वो नहीं फूटेगा। तो इसके लिए यूज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको कोई बीकर वगैरह हीट करना है। उसके बाद हमारी ये आती है, इतनी अच्छी पैकिंग कर रखी है इसलिए मैंने खोली नहीं, जैसे आपके सामने ही खोली। उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती है, ठीक है, ये भी दोनों कांच की है। ये जो है ये ग्लास स्ट्रॉ है, मतलब ये हॉलो है पूरी अंदर से, तो अगर हमको पानी यहाँ से निकालो तो यहाँ से निकल जाएगा। ये है हमारी स्टिक जिससे हम किसी भी सोल्यूशन को मिला सकते हैं, जैसे हम किसी मतलब वुडन स्टिक नहीं यूज करें, हम कांच की स्टिक यूज करें क्योंकि कई एसिड्स वुड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, कई क्या बहुत सारे सारी करते हैं, जिसकी वजह से इसने हमको ग्लास स्टिक दी है क्योंकि ग्लास एक ऐसी चीज है जो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, उसकी वजह से हमको ये दो चीजें और मिलती हैं, इसको बड़े आराम से रख देता हूँ। फिर हमारे पास आते हैं ये दो ड्रॉपर, ये हमारे जो जैसे आई ड्रॉपर होते हैं वैसे ये भी ड्रॉपर है, वही है प्लास्टिक है। ओके ये भी हो गया। फिर हमारे पास ये आता है, अच्छा क्रोमैटोग्राफी पेपर। क्रोमैटोग्राफी पेपर क्या होता है, जब हमको कोई इंक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट, जैसे आपको पता है जो ब्लू इंक होती है वो भी एक कलर से नहीं बनी होती, ब्लैक इंक आपको पता है ब्लैक जो इंक होती है वो एक कलर से नहीं बनी होती, वो बहुत अलग अलग कलर से बनी होती है। अगर आपको चाहते हो कि मैं एक्सपेरिमेंट ट्राई करूँ तो आप मुझे बताना। उसी के लिए यूज आता है, हमको इसके ऊपर इंक लगानी है एंड एक सोल्यूशन में उसको रखना होता है, तो उसके थोड़ी देर बाद ही मतलब 5-6 आवर्स में भी या फिर 1-2 आवर्स ये देखना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद हमको क्या पता लगेगा कि जो इंक के कलर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ग्रीन ब्लू ब्लैक ऐसे करके पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सही से इसका एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली करके। एंड फिर हमारे पास आता है ये, ठीक है ओके, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास कांच का है बोरोसिलिकेट ग्लास, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा ये वैसी डिटो सेम यही है, बट ये थोड़ा मतलब जैसे अगर हम इसको हम थोड़ा वीक एसिड्स में यूज कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में भी यूज कर सकते हैं। 50 ml है ये भी, देख सकते हैं 50 ml लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियरली, अगर आपको दिख रहा हूँ तो वैसे बता देता हूँ 50 ml का है ये भी एंड ये कांच का है, तो ये गिरते टूट जाएगा। फिर हमारे पास आती है ये चीज, बहुत ठीक है, अब यहाँ पर फ्री बुक्स में, ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, ये रेड लिटमस पेपर है और ये हमारा पीएच पेपर है, पीएच स्ट्रिप जैसे कहते हैं। तो इनका क्या यूज होता है, देखो लिटमस पेपर ना हमारा इंडिकेटर होता है, अगर हमको जैसे क्या होता है एसिड भी ट्रांसपेरेंट होता है एंड बेस भी कई बार ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमको एक्चुअली पता कैसे लगेगा कि ये बेस है फिर एसिड, ये नहीं कि उसके ऊपर लिखा हुआ है तो हमको पता लग जाएगा, बाई चांस वो दो बीकर्स में डाला हुआ है तो कैसे पता लगेगा। तो हम इनका यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर हम इस रेड लिटमस पेपर को, ये जो आपको रेड कलर की स्ट्रिप दिख रही है यहाँ पर, मैं आपको पास आके दिखाता हूँ तीनों चीजें, यहाँ पर जो आपको रेड लिटमस पेपर दिख रहा है यहाँ पर आप देखिए ये कलर का ऐसे कलर का, ये देखिए ऐसे कलर का, तो इसको जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, बट जैसे हम इसको बेस में डालेंगे इसका तुरंत कलर ब्लू हो जाएगा, उससे हमको पता लग जाएगा कि जो हमने जिस चीज में डाला है वो बेस है। ठीक है, जैसे ही इसका कलर ब्लू हो जाएगा मतलब वो बेस है। सेम इसका उल्टा है, ये ब्लू लिटमस पेपर आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है,
मतलब तो डार्क दिख रहा होगा, बट ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। एंड इसमें क्या होता है कि जब हम इसको बेस में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, बट जैसे इसको एसिड में डालेंगे ये तुरंत ही रेड हो जाएगा। तो उससे हमको पता लग जाएगा कि वो जो जिसमें हमने डाला वो एसिड है। ठीक है, अब ये पीएच पेपर क्या है फिर? ये ऑरेंज कलर की चीज़, ये जो होती है ये होती है हमारी आपने देखा होगा कि मतलब वो जो चीज़ है ना, ये जो ये किस चीज़ के काम आती है, ये हमारे जैसे अब हमने बेस और एसिड में तो डिफरेंशिएशन कर ली, बट अब हमको ये कैसे पता लगेगा कि जो वो एसिड है वो वीक है या फिर स्ट्रांग है, या फिर जो बेस है वो वीक है फिर स्ट्रांग है या फिर न्यूट्रल है? तो वो हम पीएच पेपर से कर सकते हैं। अगर वो एसिड स्ट्रांग होगा तो वो रेडिश कलर का कुछ हमारे को मिलेगा, वीक होगा तो उसका रेड से थोड़ा कम हो जाएगा कलर, ठीक है। एंड अगर उसका बेस होता है तो फिर हमारा ब्लू और पर्पल में चले जाएगा कलर। तो इसकी भी हम जरूर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगा, जिनको पता है वो तो समझ गए होंगे। एंड जब न्यूट्रल होता है तो हमको ग्रीन कलर मिलता है, तो वो भी देखेंगे जरूर से। अभी आगे चलते हैं। तो ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है, ठीक है। ये मैंने खोला नहीं अभी तक, इसको खोलते हैं फटाफट से। ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क, ये 100 ml आपके पास में आके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा 100 ml का कॉनिकल फ्लास्क है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 100 ml लिखा हुआ है। परफेक्ट, ये देखिए 100 ml बोरेसिल क्लास। तो ये भी उसी के लिए है, हम इसमें भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट एक्चुअली पता है मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बड़ी ही थी, मेरे को लगा ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, बट ये तो काफ़ी छोटा निकला। तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरे को लगा कि ये भी बड़ा होगा एंड मेरे को लगा ये भी बड़ा होगा, बट ये दोनों मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से छोटे हैं। वैसे तो बहुत सही है बट मेरी एक्सपेक्टेशन से छोटे हैं। ये क्या है? अच्छा, ये हमारी वो है रबड़ की हमारी क्लोज करनी है। जैसे अगर हमको इसकी लिड क्लोज करनी है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हमको इसको ना, मैं खोल कर दिखाता हूँ, ये देखो ये रबड़ की होती है एंड इसको हमको ना, अच्छा ये इसके लिए है, नहीं इसके लिए भी नहीं है। मैंने इसका यूज़ किया है, फिर इसको तो यूज़ देखना पड़ेगा मेरे को, ये तो इसमें गिर जाएगा। अरे तो इसके अंदर गिर गया, नहीं सॉरी, इसका तो मेरे को यूज़ देखना पड़ेगा। तो एंड में आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ किया है, अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। मेरे को तो लगा कि ये इसके लिए बंद करने के लिए फिर इसको चेक कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि मैं इसमें गलत हुआ। ये क्या चीज़ है यार, ये चीज़ नहीं पता मेरे को क्या है। इसकी एक्सपेक्टेशन मेरी छोटी ही थी, मेरे को सीरियसली लगा था कि ये छोटी आएगी। देखिए सर, इसका साइज देखिए, मेरे को ये लगा था ये छोटी आएगी एंड मेरे को ये लग रहा था ये बड़े आएंगे। आई डोंट नो व्हाई कि इसका उल्टा हुआ। कोई नहीं, इसको यहाँ पर रखते हैं। एंड हमारी आखिरी चीज़ जो बनती है ये हमारा स्पिरिट लैम्प। ये स्पिरिट लैम्प क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था कि एक ऑल्टरनेटिव है बंसन बर्नर का, तो वो यही चीज़ है, ये इसका ऑल्टरनेटिव है। तो ये स्पिरिट लैम्प होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें ना एक लिक्विड डरा होता है जो बर्न हो जाता है, बर्न होता है काफ़ी अच्छी तरह। तो आप इसको कैंडल भी समझ सकते हैं, अगर आपको इसको कैंडल समझना है आप कैंडल समझिए, आपको इसको दिया समझना है दिया समझिए, सेम ही काम करता है। इसमें हमको यहाँ पर आग लगानी पड़ती है मैचस्टिक से एंड ये कंटिन्यूसली जलेगा तब तक इसके अंदर का लिक्विड जो है वो खत्म नहीं हो जाता है। तो इसको हम एक्चुअली ऐसे करके खोल नहीं सकते, बट इसका कोई सिस्टम होता है, तो ये बस जलने के काम आता है एक्चुअली। इसमें हम जला सकते हैं, इसके अंदर लिक्विड डाल सकते हैं। तो ये तो गाइस सारी चीज़ें जो भी थी सब मैंने आपको दिखा दी है। अब ये बॉक्स जो है हमारा खाली हो चुका है, बट अब मैं अपने वो बताता हूँ, अपने रिव्यू। देखो ये काफ़ी अच्छी किट है, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, बट कुछ चीज़ें जो है जो मेरे को एक्सपेक्टेशन मैंने उससे ज़्यादा दी, वो है सबसे पहले ये चीज़। ये कॉनिकल फ्लास्क है बट मेरे को ये जो है ना ये थोड़ा छोटा लगा पर्सनली, मेरे को लगने आते ये इतने छोटे हैं, मतलब ये सीरियसली बहुत छोटे हैं मेरे हाथ के जितने। देखो ये मेरे को लगा था कि थोड़ा सा, तो मतलब जो बड़े वाला होता है वो बड़े वाला आएगा, क्योंकि फोटो में तो बड़ा ही लग रहा था, बट ये काफ़ी छोटे हैं। सिमिलरली विद दिस, मेरे को लगा था ये भी बड़े आएंगे बट ये भी काफ़ी छोटे आए। ये इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को ये लग रहा था छोटी आएगी बट ये बड़ी आई, ठीक है। ये तो हो गया, ये भी सही आए, ये तो मेरे को तो नहीं लग रहे थे, ये भी सही आए, ये भी सही आए। लास्ट थिंग जो मुझे लगी वो है ये, मेरे को लगा वो लंबे वाले जो आते हैं ना, जो हमारे जो लंबे वाले होते हैं ड्रॉपर्स, ये ड्रॉपर्स हैं, तो मुझे लगा वो लंबे वाले आएंगे बट ये छोटे वाले हैं। तो इनकी भी एक्सपेक्टेशन मुझे थोड़ी छोटी ही लगी, बट इसमें अभी आपका ही फायदा हुआ है। देखो ये इसका जो साइज़ है वो इतना है, मैं अपने हैंड के हिसाब से आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए इतना है, ओवरऑल ये वीडियो में भी बड़ा ही लग रहा है बट मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा है। आई डोंट नो, मुझे छोटा लग रहा है बट ये सीरियसली बहुत छोटा है, 50 ml का, मेरे ख्याल से वो 100 ml होता है फिर। कोई नहीं गाइस, मेरे को अभी भी पर्सनली किट बहुत अच्छी लगी एंड मेरा रिव्यू यही है कि ये काफ़ी अच्छी किट है, मेरे को ये सब पसंद आया, ये सब एक्चुअली पसंद आया सब।
मेरे को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी अच्छे सामान आया, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, कुछ ने थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम कर दिया, बट नेवर माइंड, ये बहुत अच्छी किट है। तो गाइज अगर आपको वीडियो में आया हो मजा तो गाइज प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, जिससे आपको ऐसी वीडियोज देखने को मिल सके। मैं जरूर से इनके एक्सपेरिमेंट भी डालूंगा एंड कोशिश करूंगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियोज इनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही हो। एंड बायोलॉजी का जो मैं माइक्रोस्कोप को डाला, तो प्लीज गाइज ये मत सोचना कि वो रुक गया, अभी हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स पड़ी हुई है, तो वो भी एक धीरे धीरे करके दिखाएंगे, बट ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होने वाला है क्योंकि मेरे को अपने टेंथ को भी मैनेज करना पड़ेगा साइड बाय साइड। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं आपको मिलता हूं इसी डांस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।